जय हिंद, जय भारत दोस्तों। प्राचीन भारत की श्रृंखला में हम एक छोटी सी ट्रिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं, और वो छोटी सी ट्रिक कहते हैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बहुत काम आती है। वो छोटी सी ट्रिक, हमने जब समस्या उत्पन्न हुई और समस्या के समाधान के लिए छोटी सी ट्रिक बताई, हमने आपको 7 सीरीज में बताया था कि मैग्नस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे राजदूत बन के, उन मैग्नस्थनीज ने भारत में एक स्त्री भारत पर अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, और भारत के विवरण में उन्होंने भारत में 7 जातियां बताई। वैसे भारत में 4 वर्ण होते हैं, लेकिन मैग्नस्थनीज ने थोड़ा सा भ्रामक वर्णन देते हुए उस स्थिति को थोड़ा सा पेचीदा और जटिल कर दिया, और उन्होंने भारत में बताई 7 जातियां। उन 7 जातियों को याद करने के लिए हमने UPSC की तैयारी के दौरान एक फंडा, एक फॉर्मूला बनाया था, और वो फॉर्मूला था दकी अका सेनिस। दकी अका सेनिस हम देखते जाएंगे, एक एक चीज़ फॉर्मूले में रखते जाएंगे और 7 जातियाँ आती जाएंगी। तो 7 जातियों में सबसे पहले दा है, तो उसको कहते हैं दार्शनिक। दा से बोले तो दार्शनिक, की से बोले किसान, उनको किसान एक जाति लग रही है। ये मैग्नस्थनीज के भ्रामक विवरणों में से एक है, क्योंकि भारत में किसान कोई जाति नहीं होती, लेकिन मैग्नस्थनीज को भारत की भाषा का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने अनुसार भारत की 7 जातियों का विवरण दिया। पहली जाति लगी उन्हें दार्शनिक, दूसरी जाति लगी उन्हें किसान, फिर दकी अका सेनिस में तीसरा है अहीर। अहीर बोले तो यादव, हाँ ये एक जाति होती है जो मुख्यतः दुग्ध व्यापार करते हैं, पशुपालन करते हैं। अहीर क्या दे हैं, अहीर, आफ और अहीर। काफ और बोले तो कारीगर, ये भी कोई जाति नहीं होती, लेकिन उन्हें कारीगर भी एक जाति लग रही थी। से बोले तो सैनिक, सैनिक भी उन्हें एक जाति लगे। निरीक्षक, नी बोले तो निरीक्षक भी उन्हें एक जाति लगे। और अंत में सा बोले तो सभासद। इस प्रकार जिस भारत में वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बताए गए हैं, ऋग्वेश, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उस भारत में भ्रामक विवरण देते हुए उन्होंने कुछ भ्रांतियां पैदा कर दी, और उन्होंने कहा भारत में कितनी जातियां हैं, 7 जातियां हैं। पहली जाति, और उस फंडे को हमने रखा दकी अका सेनिस, उसको हम लिख सकते हैं दकी अका सेनिस, दकी अका सेनिस, ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले बोले तो दार्शनिक, दूसरा बोले तो किसान, तीसरा बोले तो अहीर, चौथा बोले तो कारीगर, पांचवा बोले तो सैनिक, छठवां बोले तो निरीक्षक, और सातवां बोले तो सभासद। इनमें ध्यान रखना, उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा संख्या में थे किसान। कभी कभी ये भी पूछ लिया गया कि 7 जातियों में सबसे ज़्यादा कौन है, तो उन्होंने कहा 7 जातियों में सबसे ज़्यादा हैं किसान और सबसे कम हैं सभासद। तो ये है मैग्नस्थनीज के द्वारा प्रस्तुत 7 जातियाँ, दकी अका सेनिस, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। पहले में दार्शनिक, दूसरे में किसान, तीसरे में अहीर, और चौथे में कारीगर, पांचवे में सैनिक, छठवे में निरीक्षक और सातवें में सभासद, जिसमें सबसे ज़्यादा हैं किसान और सबसे कम हैं सभासद। इतिहास की छोटी सी समस्या को छोटी ट्रिक के माध्यम से हमने सॉर्ट आउट किया। ऐसी समस्याओं के लिए आप हमसे जुड़े। जय हिंद, जय भारत।